डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर, हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर से पहले आपसे बात करूं व्हाट इज एरे, तो एरे क्या है? आप कहोगे कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, है ना। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। एरे हमारा सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है, और ये क्या है हमारा? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है। तो उसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई हमने। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट 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 डेटा टाइप्स, है ना। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, ऐसे बोल दो, है ना। और कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल, वन और मोर वेरिएबल, है ना, ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन है, और कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप, ये ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। वेयर एज एरे इज ए कलेक्शन, वेयर एज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। और हमारा क्या है? एरे क्या है? सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। नोट करके, नोट, क्या एरे के अंदर हमें सिर्फ डिफरेंट ही रखने हैं, सिमिलर भी रख सकते हैं एरे के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम सेम भी रख सकते हैं, ठीक है, सिमिलर भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, दोनों तरह के रख सकते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन नोट में लिखवा रहा हूं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैन होल्ड बोथ सिमिलर, है ना, बहुत सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट को भी रख सकता है, ठीक है, और सेम भी रख सकता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, समझ रहे, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, कैसे लेंगे सिंटैक्स, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें लिख लो, टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसका यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो आप किस कीवर्ड का यूज करोगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड का, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इसकी हेल्प से करें, ठीक है। जैसे सिंटेक्स क्या होगा इसका, अब सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स में लिखा, सपोज तुमने, आप लिखोगे पहले एस टी स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नेम, यहाँ क्या आएगा? स्ट्रक्ट नेम आएगा, फिर कर्ली ब्रेसिस,
यहाँ रखना, यहाँ कर्ली ब्रेसिस आएगी, यहाँ कर्ली ब्रेसिस आएगी, और बाद में ध्यान रखना यहाँ पर सेमी कोलन आएगा एक स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर हुआ, इसमें तुमने पहला डेटा टाइप लोगे, डेटा टाइप वन सेमी कोलन, डेटा टाइप टू, ठीक है, कितने ले लो, डेटा टाइप थ्री, है ना। इस तरह से आप स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, समझ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का हुआ। अब आपको एग्जाम्पल लेना है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्ट क्या बनाते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट का अंदर क्या क्या होगा, देखो बाद में सेमी कोलन जरूर लगाना। मैंने इंट में उसका रोल नंबर होगा, ठीक है जी, फ्लोट में उसकी फीस होगी, जैसे 50 रुपये 100 पैसे, है ना, 50 रुपये 20 पैसे, इस तरह से। स्टूडेंट का नेम होगा, कैरेक्टर टाइप का, एरे टाइप का क्या होगा, नेम होगा, नेम 20, जैसे 20 कैरेक्टर का नेम हो सकता है, और क्या होगा, ठीक है, उसकी हो सकता है इंट में क्लास हो, CLS क्लास। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये क्या है, इसके डेटा टाइप है अलग अलग टाइप के, ये इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का, ये कैरेक्टर टाइप का, ये इंट टाइप का। तो ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट हुआ, ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हो गया आपके, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हो गया। ये इंटीजर टाइप का हुआ, ये फ्लोट टाइप का, ये कैरेक्टर टाइप का, ये इंट टाइप का। तो ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है ये, है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हुआ, समझ रहे, एक एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने स्ट्रक्ट एक लाइन लाइन ली, लाइन 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 किन से मिलकर बनती है, लाइन एक्स वाई से मिलकर बनती है ना। तो आपने क्या करा, इंट में एक्स ले लिया और इंट में वाई ले लिया, समझ रहे, ये भी एक एग्जांपल किसका हुआ, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का नाम क्या है ये बता दो, देखो ये जो है आपका, ये स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपके, ये है स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम है क्या, स्टूडेंट और लाइन, स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ये क्या है, ये है आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए, कौन से, इंट, फ्लोट, कैर, इंट, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, एक एग्जांपल ही हो गया। और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, जिससे और क्लियरिटी आ जाए, है ना, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी तुम्हें। अब और ले लेते हैं, जैसे तुमने लिया डेट, एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर डेट, डेट किससे मिलकर बनेगी, डेट बनाने के लिए, है ना, आपको
इंट में क्या चाहिए? डे। इंट में आपको चाहिए मंथ। इंट में ईयर, ये तीन चीज चाहिए, समझ रहे? इंट, डेट, मंथ, ईयर, ये भी एक स्ट्रक्चर हुआ। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कार, कार ले ली, ठीक है। कार में क्या होंगे? इंट में व्हील्स होंगे, कितने? चार पहिए होंगे, है ना। फ्लोट में एवरेज भी होगा उसका, कितना एवरेज दे रही, ठीक है। और कलर भी होगा कैरेक्टर में, है ना, कैरेक्टर में कलर भी होगा कार का कुछ ना कुछ। और क्या ले सकते हैं इसमें, है ना। इंट में स्पीड भी, स्पीड कितनी है इसकी। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। ये भी एग्जांपल किसका है? स्ट्रक्चर का। बोले समझ में आया? नहीं। यस, है ना, समझ में आया? रिप्लाई तो करो यार। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम ही बताओ कोई एग्जांपल। तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज एड्रेस। तो एड्रेस बनाने के लिए आप क्या लिखोगे? स्ट्रक्ट एड्रेस। एड्रेस में क्या क्या आता है भाई, बोलो। एड्रेस में आएगा इंट में हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर आ गया। उसके बाद लॉन्ग में आएगा पिन, पिन नंबर। कैरेक्टर एरे में क्या आएगा? सिटी या विलेज, जैसे 100 ले लिया, ये लिया, ठीक है। इंट में और क्या आएगा? नेम, हाउस नंबर आ गया, और ले लो कुछ, है ना, स्ट्रीट ले लो, स्ट्रीट आ गई, गली नंबर, ठीक है। इस तरह से ये बनता है आपका। और भी आ सकते हैं, है ना। ये हुआ स्ट्रक्चर। तो मैंने इतने एग्जांपल लिया आपके सामने पांच, ठीक है। ये इस तरह से डिफाइन होंगे आपके आपके सारे के सारे, ठीक है जी। अब इसमें अगर डिस्कस करते हैं, एक चीज बताओ, नोट करके मैं तुमसे पूछ रहा हूं, नोट करके ध्यान से सुनना। मैंने लिया एक्स, ठीक है। मैंने पूछा एक्स किस टाइप का है, एक्स किस टाइप का है? आप कहोगे इंट टाइप का है ना। मैंने पूछा, मारुति किस टाइप की है? आप कहोगे कार टाइप की है, ठीक है। मैंने पूछा तुमसे, सपोज एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट, ले लो स्टूडेंट S1। S1 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है, समझ रहे? ऐसे ही मैंने पूछा फ्लोट F, F किस टाइप का है? F किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है ना। ये जो डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, ये आपके हो गए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये दोनों क्या हुए आपके? ये हो गए प्री डिफाइंड डेटा टाइप। कौन से? प्री डिफाइंड। और ये जो दो हुए, ये किसने बनाए? मैंने बनाए। तो इसको क्या कहेंगे हम?
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका कार और स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। है ना, और ये क्या हुआ आपका, ये प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन डेटा टाइप्स। समझ रहे, ये आपके प्री डिफाइन डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से, इंट और फ्लोट। और जो मारुति ओ कार और स्टूडेंट है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। समझ आया। अभी बात करते हैं, सपोज अब एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर तुमने बनाना सीख लिया, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स मैंने बताया कि ये होता है, स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। समझ रहे, ये इसके एग्जांपल लिए, स्ट्रक्चर बनाना आ गया तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने हैं, है ना। अब इसमें क्वेश्चन आता है, डिफाइन डिफाइन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, है ना। डिफाइन स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्वेश्चन आता है इसी में, स्ट्रक्चर में। तो जैसे आपने, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने एक स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। हमने बनाया स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर मैं कुछ चीजें ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तो ले लिया भाई मैंने इंट में उसका रोल नंबर, ठीक है जी, इंट में ले ली उसकी एज, ज्यादा नहीं लेता, ठीक है। और एक ले लिया कैरेक्टर में जेंडर, ठीक है, मेल है फीमेल है। और एक ले लिया डबल में उसका सपोज मार्क्स, मार्क्स ले लिया। ये स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करा, ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब आपको वेरिएबल लेने हैं ना, वेरिएबल, तो मैंने यहां पर वेरिएबल लिया S1 कॉमा S2 कॉमा S3, फिर सेमी कोलन लगाया, S1 S2 S3, ये तीन वेरिएबल लिए। अब ये तीन वेरिएबल किस टाइप के हैं, S1 S2 S3, ये किस टाइप के हैं तीनों, स्टूडेंट टाइप के हैं। अब जैसे ही आपने S1 लिया, कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में कितने बाइट रिजर्व होगी बताओ, कंप्यूटर की बारी में S1 के लिए कितने बाइट रिजर्व होगी, यस S1 के लिए। देखो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल लिया S1, ये S1 बन गया भाई। अब इस S1 के अंदर होगा क्या, एक तो रोल नंबर होगा, एज होगा, जेंडर होगा, मार्क्स होगा। क्या होगा, रोल नंबर ए इंट में, ये हो गया आपका एज, कैरेक्टर में जेंडर और डबल में मार्क्स। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये है आपका रोल नंबर, ठीक है जी। अगला पार्ट क्या है, एज, अगला जो हिस्सा है ये जेंडर है, और जो लास्ट का है, ये जो लास्ट वाला है, ये क्या होगा आपका, मार्क्स, और इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम जो है आपका, ये किसके, ये सारा का सारा, ये किसका एरिया है, S1 का, ये S1 को अलॉट है, ये S1 के लिए है। ये S1 के लिए हुआ। ऐसे तुमने क्या करा, एक और बनाया,
S2। अब मुझे बताओ कितने बाइट रिजर्व हुई S1 के लिए, कितने बाइट, इंटीजर कितने बाइट लेता है? इंटीजर लेता है 2 बाइट। एज किस टाइप का है इंटीजर, ये भी 2 बाइट लेगा। ठीक है, जेंडर कितने लेता है, 1 बाइट। और डबल कितने लेता है, 8 बाइट, है ना? तो टोटल कितने हो गए, आपका टोटल हो गया, जोड़ो, बताओ। आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो S1 के लिए टोटल कितने बाइट रिजर्व होगी, S1 के लिए टोटल, ठीक है, टोटल हो गया आपकी 13, 13 बाइट रिजर्व होगी S1 के लिए। ऐसे ही एक और वेरिएबल आया S2, फिर क्या होगा, सेम सेम कॉपी कंप्यूटर की मेमोरी में एक और बन जाएगा S2। समझ रहे, ये क्या होगा आपका S2, इसका नाम हो जाएगा आपका S2। ये S2 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ऐसे फिर आपने S3 एक और ले लिया, S3 एक और बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होंगे, ये हो गया आपका S3। S1, S2, S3, समझ रहे? अगर फोर्थ लोगे तो फोर्थ, ऐसे ही अगर आगे भी और भी ले रहे हो तुम, है ना, इस तरह से, सॉरी, है ना, आप बहुत सारे ले सकते हो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चाहे कितने बना लो मर्जी तुम्हारी। तो ये वेरिएबल हुए आपके S1, S2, S3, क्या हुए, वेरिएबल हुए। एक तरीका तो ये है, ये हो गया मेथड 1, मेथड 1 वेरिएबल लेने का, जहां पर स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर लेने के साथ साथ आप वहीं पर ही S1, S2, S3 ले लो। तो ये S1, S2, S3 आपके स्टूडेंट टाइप के हुए, ये हुआ एक तरीका, तो ये हुआ वेरिएबल लेने का। दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में क्या है, ये भी सिंपल है। आपने क्या किया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट बनाया, इंप्लॉई इंप्लॉई, ठीक है, इंप्लॉई, इसमें इंप्लॉई की क्या होगी, इंट में EID होगी, इंप्लॉई आईडी होगी, है ना, फ्लोट में सैलरी होगी उसकी, है ना, और कैरेक्टर में जेंडर होगा सपोज। ये तीन चीज ली। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर, या मैंने अब की बार E1, E2, E3 यहां नहीं लिए, अब आप कैसे लोगे, एक नया तरीका बता रहा हूं, आप लिखोगे S T struct struct EM employee, employee का नाम E1 कॉमा E2 E3, कितने ले लो, है ना, सपोज मैंने 2 लिए, सपोज E1 E2 लिए। एक तरीका ये भी है, समझ रहे, या तो यहीं पर लिख देते सेमी कोलन और इसके कर्ली ब्रेसिस के बीच में, या अलग से लिख दो, मर्जी तुम्हारी, E1 E2। क्या होगा, आपकी एक मेमोरी अलोकेट होगी किसके लिए, E1 के लिए, एक वेरिएबल होगा आपका E1, ठीक है। E1 किसको पॉइंट करेगा, E1 ये है पूरा का पूरा, और इस E1 के अंदर तीन चीजें होंगी। इस E1 के अंदर क्या क्या होगा, देखो ध्यान से, इस E1 के अंदर होगा EID, सैलरी, और एक होगा जेंडर, ठीक है जी। कितने बाइट रिजर्व हुई टोटल,
बोलो कितने बाइट रिजर्व होंगी इस E1 के लिए। ऐसे ले लिया तुमने E2, कितने बाइट रिजर्व होंगी। कॉपी पेस्ट E2 के लिए भी इंटीजर 2 बाइट, 4 बाइट और जेंडर 1 बाइट, टोटल 7 बाइट रिजर्व स्पेस हो गया E1 के लिए। तो एक तरीका यह है कि आप ऐसे भी ले सकते हो, वेरिएबल E1 E2 स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिख के उसका नाम, तो इससे क्या होगा इस लाइन से मेमोरी में ये ऐसे स्पेस रिजर्व हो जाएंगे। तो टोटल है ना इसमें लिख दो 7 बाइट्स आर रिजर्व इन मेन मेमोरी। इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में कितने हो गए आपकी 7 बाइट्स रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें भी 7 बाइट्स रिजर्व हो जाएगी। अभी ये तो आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें बोलो कोई डाउट हो तो। ठीक है, गुड। तो मैंने बताया तुम्हें स्टार्टिंग से, समझ आया। चलो गुड, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैन होल्ड बोथ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप। यानी कि ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है कि स्ट्रक्चर है, कार एक स्ट्रक्चर है, डेट एक स्ट्रक्चर है, एड्रेस एक स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या है स्ट्रक्चर है, समझ रहे। इनके अंदर क्या है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, पूछेगा कि वाइवा में स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आपको बताना है स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन से कीवर्ड से, स्ट्रक्ट कीवर्ड से। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट के बाद स्ट्रक्चर का नेम आएगा, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल कैसे ले। स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिफाइन करने के 2 तरीके बताए मैंने, ठीक है। मेथड 1, एक तो जिस टाइम स्ट्रक्चर बना रहे उसी उसी टाइम लिख दो S1 S2 S3, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आपने स्ट्रक्चर बनाया अलग से लिखा, ये अलग से लिखा E1 E2 E3, ठीक है, ये E1 E2 E3 हो गए आपके अलग टाइप के, दूसरा तरीका हो गया। तो 2 मेथड है। अब क्वेश्चन आता है एक और, थर्ड, हाउ टू इनिशियलाइज, एक मिनट, अब आएगा एक क्वेश्चन आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। हाउ टू, हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट टाइप है ना, हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रक्ट टाइप। यानी कि इसका मतलब क्या है, इनिशियलाइज का मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कुछ है, ठीक है, उसको वैल्यू कैसे दी जाए, ये देखते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें लिखते हैं, वी कैन इनिशियलाइज इनिशियलाइज स्ट्रक्ट मेंबर, वी कैन इनिशियलाइज स्ट्रक्ट मेंबर बाय यूजिंग, मेंबर्स बाय यूजिंग फॉलोइंग वेज। 2 तरीके हैं उनके थ्रू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, देखो आपने वेरिएबल तो ले लिया, ये E1 वेरिएबल ले लिया, लेकिन EID है क्या, सैलरी कितनी है, जेंडर क्या है, ऐसे ही दूसरे एम्प्लॉय का EID क्या है, उसकी सैलरी क्या है, जेंडर क्या है, ये इनको अगर मैं इनको वैल्यू दे दूं, है ना, तो ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, ये एक स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक का, ये
ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज कर देंगे अगर इन्हें वैल्यू दे दी। अब इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है ना, वी कैन इनिशियलाइज स्ट्रक्ट मेंबर बाय यूजिंग टू फॉलोइंग वे। पहला है आपका एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्ट, एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्ट डिफाइन डेफिनेशन। जिस टाइम आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तभी अगर आप लिख दो वो क्या होगा आपका, एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्ट डेफिनेशन। दूसरा इसी में ही एक है बाद में, समझ रहे हैं? दूसरा तरीका देखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर या मेन से बाहर कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, और एक बाय यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप से भी आप कर सकते हो। तो कई तरीके हैं आपके स्ट्रक्चर डिफाइन करने के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका ये वाला, ठीक है? इसे देखो हम कैसे करेंगे, एक मिनट। इसे जरूर याद रखना, ठीक है? आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया, सपोज स्ट्रक्चर स्टूडेंट ले लो, ये एग्जाम्पल तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम मान के चले इंट में रोल नंबर है, ठीक है? फ्लोट में पीस है, और कैरेक्टर में सपोज जेंडर है। बस तीन चीज लेते हैं, फालतू नहीं, ये ले लिया। अब तुमने क्या किया, ये तो स्ट्रक्चर डिफाइन करा भाई, स्टूडेंट जिसमें रोल नंबर नेम और फीस होगी उसे स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, पहले वेरिएबल लो, स्टूडेंट आपने लिया S1, S1 इज इक्वल टू, आपने कर्ली ब्रेसिस में लिख दिया, इंट में लिख दिया तुमने, रोल नंबर है सपोज उसका 101, कॉमा फीस कितनी है उसकी, सपोज इसकी है 1050, ठीक है? और जेंडर है उसका, ये लिख दिया कैरेक्टर में, वो है मेल M, ठीक है? ये लिखा तुमने, तो S1 जो ऑब्जेक्ट बना आपका, एक ऑब्जेक्ट बनेगा S1, ये बना। इसके अंदर तीन चीजें होंगी, तुम्हें पता है क्या क्या, जो यहां पर तुमने डिफाइन करी वो होंगी। एक तो होगा रोल नंबर, एक होगा फीस, और एक होगा आपका जेंडर, ठीक है? अब जो आपकी रोल नंबर है, रोल नंबर में आ जाएगा 101, और फीस में आ जाएगा आपका कितना, 10.50, और जेंडर आ जाएगा आपका जो भी तुमने जेंडर डिफाइन करा, सपोज जेंडर आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर सिंगल कोट्स में मेल, ठीक है? और ये इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस पूरे का नाम क्या है, S1, इसको S1 कहेंगे। ये आपका S1 हो गया यहां से यहां तक का। तो आपने क्या करा, इसके जो ये वेरिएबल थे इनको इनिशियलाइज कर दिया है ना, इनको वैल्यू दे दी। एक तरीका तो ये है, अगर ऐसे ही आपने एक और लिया सपोज, दूसरा वेरिएबल लिया, सपोज आपने लिया स्टूडेंट S2 इक्वल टू, है ना, यहाँ पर लिख दिया 102 लिख दिया, उसकी उसकी जो फीस है 990 रुपये 45 पैसे, कॉमा उसका जेंडर क्या है, फीमेल है सपोज, ये लाइन लिखी। इससे क्या होगा, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा आपका S2, ये लो, उसके अंदर भी तीन चीजें होंगी, रोल नंबर कितना है 102 आ जाएगा, उसके फिर स्टूडेंट की फीस, फीस कितनी है 990.45, और जेंडर, जेंडर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा फीमेल, जो भी लिखा तुमने वो आ जाएगा इस तरीके से। और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, S2, इस वेरिएबल का नाम क्या है पूरे का, इस ये पूरा एक वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा, उस वेरिएबल के अंदर दूसरे अनदर वेरिएबल है, ठीक
है, ये हो गया S2। तो इस तरह से आप S1, S2, S3 कितने ले लो, है ना, इस तरह से डिफाइन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। इस तरह से डिफाइन करते चले जाओ, कितने कर लो, एक तरीका ये है। इस तरीकों को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको इसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। जिस टाइम प्रोग्राम लिख रहे हो उसी टाइम डिफाइन करती है, एक तरीका ये है। तो सबसे पहले हमने सीखा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा ये, ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हो गया पहला। स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, उसके बाद स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल हैं, दूसरा स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इसी सीक्वेंस में चलना। पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे लोगे, ठीक है। ये स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, ये वेरिएबल ले लिए, अब इनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये तीसरा तरीका है, यानी कि उनके अंदर वैल्यू कैसे डालोगे, ये आपका थर्ड है। तीन तरीके हैं, स्ट्रक्चर बनाना, वेरिएबल लेना और उनके अंदर वैल्यू डालना, तीन चीजें हैं। इसी सीक्वेंस में चलना, स्ट्रक्चर लोगे देन ये आपका फिर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नोट करके लिख देता हूं, नोट। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसी सीक्वेंस में करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बोलो, डिफाइन स्ट्रक्चर, है ना, डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल बनाने के बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ये तीन रूल है, बस ध्यान रखना। सबसे पहले वेरिएबल आपका डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, और ये आपका उसके बाद ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन तीनों स्टेप में मेमोरी कहाँ, कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ रिजर्व होगी, स्ट्रक्चर जब डिफाइन करे तब मेमोरी लगेगी, या वेरिएबल डिफाइन कर रहे तब मेमोरी लगेगी, या वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे, कंप्यूटर में मेमोरी रिजर्व कब होगी, इन तीनों स्टेप्स में, वन में, टू में, थ्री में, बोलो किस टाइम मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी में। स्ट्रक्चर देखो, जब स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे तब मेमोरी नहीं लगती, समझ रहे हैं, मेमोरी लगती है जब आप वेरिएबल लेते हो, मेमोरी कब रिजर्व होती है ना, इसमें लिख देता हूं, मेमोरी रिजर्व्ड व्हेन व्हेन वी डिफाइन डिफाइन वेरिएबल, जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तब मेमोरी आपकी रिजर्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिफाइन जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तब नहीं मेमोरी लगती। ये तो सिर्फ बताया कि स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, फीस और जेंडर होगा, बस। जब आपने S1 और S2 लिखा तब मेमोरी रिजर्व होगी, क्लियर है। एक तरीका तो मैंने बताया कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, एक है रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब रन टाइम देखो, रन टाइम कैसे करते हैं, एट रन टाइम इनिशियलाइजेशन, एट रन टाइम इनिशियलाइजेशन, एट रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, रन टाइम इनिशियलाइजेशन बहुत सिंपल है। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो, सपोज सबसे पहले क्या काम करो, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो। स्ट्रक्ट में
स्ट्रक्चर में सारे करेक्टर स्मॉल लेटर्स में होंगे। मैंने लिखा स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम ले लिया, सपोज स्ट्रक्चर का नाम ले लिया मैंने। अब की बार ले लेते हैं एड्रेस, एड्रेस कुछ भी ले लो, स्टूडेंट ही ले लो, है ना, स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट चल रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर तीन चीजें ले लो, इंट में रोल नंबर, ठीक है, फ्लोट में फीस, और एक ले लो जेंडर कैरेक्टर में, है ना, जेंडर, तीन चीजें ली। अब तुमने क्या किया, एक स्टूडेंट लिया, स्ट्रक्ट लिखो पहले, स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट आपने लिया S1, S2, ये दो वेरिएबल लिए S1 और S2, ठीक है। अब हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे इसको, रोल नंबर कैसे डाल लेंगे, अब कीबोर्ड से डालना है, तो आप यहां पर क्या करोगे, मैसेज दोगे प्रिंट एफ, एंटर द, एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, ये लिखोगे। स्कैन एफ की हेल्प से रोल नंबर किस में होगा, इंटीजर में होगा, परसेंट डी, कहां पर सेव कराएंगे, अब ये बताओ, हम सेव कराएंगे S1 के रोल नंबर में, एड्रेस ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको, एड्रेस ऑफ S1 डॉट, डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं रोल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद मैसेज दोगे प्रिंट एफ फीस, कहोगे एंटर द फीस, कैसे, फिर वही स्कैन एफ से, स्कैन एफ लिखोगे, परसेंट फीस किसमें है, फ्लोट में, तो परसेंट एफ कहां रखोगे, एड्रेस ऑफ S1 के फीस में, समझ रहे, ऐसे ही प्रिंट एफ क्या एंटर करोगे, जेंडर लिखोगे, एंटर द जेंडर, जेंडर एंटर करोगे, कहां सेव कराओगे, स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू स्कैन करोगे कीबोर्ड से कैरेक्टर वैल्यू, और कहां पर सेव कर दोगे, एड्रेस ऑफ S1 के जेंडर में, ठीक है, इस तरीके से। देखो हुआ क्या, जैसे ही तुमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 लिया, तो एक स्टूडेंट बनेगा इस तरह से S1, ये हो गया आपका S1 बन गया, ठीक है, ये S1 इसको एलोकेट हो गया, ये रहा, ये S1 इसको पॉइंट कर रहा। इस S1 के अंदर तीन चीजें हैं, तुम्हें पता है, रोल नंबर और जेंडर, ठीक है, और एक है इसमें आपका फीस, ये तीन चीजें हैं सपोज। अब आपने यहां पर देखो क्या करा, यहां लिखा है एंटर द रोल नंबर, ऐसे ही ये जब आपने स्टूडेंट S1 और S2 लिया, एक ऑब्जेक्ट और बनेगा सेम ऐसा ही, पता है ना तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट और बनता है कंप्यूटर की मेमोरी में, अभी बताया मैंने, ये बन गया S2, जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को तभी मेमोरी एलोकेट होगी S1 को और S2 को। अब कह रहा कि एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर कहां पर रखना है, रोल नंबर S1 में भी रोल नंबर है, S2 में भी रोल नंबर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एड्रेस ऑफ S1 के रोल नंबर में, तो जो भी तुमने रोल नंबर एंटर किया कहां पर जाएगा, S1 के रोल नंबर में, ये S1 है, इसका रोल नंबर हो जाएगा आपका 101। फिर उसने कहा एंटर द फीस, कहां पर रखी, S1 की फीस में, एड्रेस ऑफ S1 की फीस, S1 की फीस, फीस ये यहाँ पर, सपोज उसकी फीस थी 10 रुपीज 50 पैसे। फिर कहेगा जेंडर किसके में, S1 के जेंडर में, है ना, S1 का जेंडर यहाँ पर तुमने रख दिया सपोज मेल, मेल इस तरह से आ जाएगा। तो हम ऐसे रख सकते हैं। सिमिलरली अगर S2 में रखना है तो आपको S1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर S2 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसको फिर मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट,
यहीं पर रख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, एक लाइन खेल देते हैं। अब क्या होगा, आपको कहाँ रखना है सारा का सारा है डेटा, यहाँ पर रखना है S2 में, ठीक है S2 में रखना है सारा का सारा डेटा, कहाँ रखोगे S2 में, कीबोर्ड से लेके। तो ये कर लो आप S2, ये आपका S2 और ये आपका S2। तो जब भी ये आपसे पूछेगा एंटर द रोल नंबर, अब आपने कहा रखा S2 के रोल नंबर में, S2 का रोल नंबर सपोज आपने दे दिया 102, जेंडर दे दिया सपोज, एंटर द फीस, फीस दे दी या जेंडर दे दिया, ये दे दिया फीमेल, ठीक है, और इसकी फीस दे दी, इसकी फीस में थोड़ा डिस्काउंट है, जैसे इसकी फीस है 8 रुपये 70 पैसे, ठीक है 8 रुपीज ये रख दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनिशलाइज करते हैं रन टाइम पे। तो रन टाइम पे इनिशलाइज करने के लिए आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करा, डॉट ऑपरेटर का, समझ रहे किसका यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का, इसमें लिख लो नोट करके। बाय यूजिंग डॉट, इसको कहते हैं डॉट, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन इनिशियलाइज है ना, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट मेंबर है ना, स्ट्रक्चर मेंबर एट रन टाइम, रन टाइम पे मैं उनको इनिशियलाइज कर सकता हूँ डॉट ऑपरेटर से। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये जो है ना देखो, तीन चीज मैंने पूछा स्टूडेंट के अंदर क्या क्या है, रोल नंबर, फीस, जेंडर, ये इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट का नाम, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर आपके तीन वेरिएबल हैं, इनको मेंबर भी बोलते हैं, ये मेंबर भी हैं, ये मेंबर हैं किसके, स्टूडेंट के, रोल नंबर, फीस, जेंडर, मेंबर भी बोलते हैं इनको। तो ये मेंबर जो हैं आपके, आप डॉट ऑपरेटर से आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हो, है ना, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर एट रन टाइम है। एंड एक लाइन इसे छोटो सा कल बताऊंगा, ये बोलो इतना समझ में आया नहीं तुम्हारे, व्हाट इज स्ट्रक्चर,